मैं लोकेश मकाना, खबर 24 के खास मुलाकात में आज शुरुआत करते हैं ऐसे कार्यक्रम की। देखते हैं कांग्रेस की मझधार। कांग्रेस की मझधार में हमारे जो खबर 24 के स्टूडियो में पधारे हैं जिला अध्यक्ष कैलाश जी मीणा साहब, सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं मैं खबर 24 पर। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक मदन लाल जी वर्मा डग विधानसभा से हैं, और साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान नारायण सिंह जी, और पीसीसी सदस्य हमारे शैलेन्द्र जी यादव साहब, और चेतरा जी गहलोत जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, और साथ में पीसीसी सदस्य हमारे सुरेश जी गुजर साहब, और जिला महामंत्री राजेश जी करावन, पूर्व चेयरमैन अनिल जी वर्मा। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है भवानी मंडी के अंदर, वो जिला अध्यक्ष का स्वागत हुआ है। देखा जा रहा है जो डोर हाथ में दी गई है वो ऐसी डोर दी गई है चारों विधानसभा की जो सीटें हैं उन सीटों पर किनको टिकट देना है, कौन इस लायक है, वो सारा परिवेक्ष जो है, परिवर्तन जो है, वो जिला अध्यक्ष के हाथ में होता है। और पीसीसी ने जो तय किया है उस तय के निर्णय पर कैलाश जी मीणा को ये उपाधि और ये बांध जो है वो दी है। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद आपका जोरदार स्वागत भवानी मंडी की जनता ने किया, और वहीं आप जहां भी जाते हैं और जहां भी आप गए हैं वहां का स्वागत आपका जोरदार हो रहा है। हम ये मानते हैं कि झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में आ जाए, ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन आपका जो पर्यवेक्षक ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भवानी मंडी और झालावाड़ जिले का जो परिवर्तन अब होना निश्चित है, ये हम मानते हैं। हम बात करते हैं कैलाश जी मीणा साहब से, ये कैसा लग रहा है आपको आज जिला अध्यक्ष आप बने हैं और झालावाड़ जिले में आप घूम रहे हैं, सब जगह आपका स्वागत हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि भाई आपकी जो दौर है वो काफ़ी लंबी चले। आज जिस तरह का भवानी मंडी के कस्बे के अंदर जिस तरह का उत्साह और जो माहौल देखने को मिला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ, और जैसा हम इसके पहले पीड़ावा डग चौमेला और जिले के बहुत सारे कस्बों में हम गए, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता में बहुत ही उत्साह है, और आने वाला समय कांग्रेस का है, और जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें चारों विधानसभा की सीटें कांग्रेस की विजय होगी, और जो यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है सम्मानीय वसुंधरा जी और उनके सांसद पुत्र दोनों को बोरी बिस्तर यहाँ से बांधना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये कि भाई झालावाड़ जिले के अंदर काफी झालावाड़ जिले में काफी काम किए हैं, विकास को लेकर भी आमजन जो है वो थोड़ा सा खुश भी नजर आ रहे हैं, इस बीच आपका जो जिला अध्यक्ष बनना और चारों सीटों पे कब्जा करना ये कैसे करेंगे आप? ये बिल्कुल झूठ बात है कि यहाँ विकास हुआ है, क्योंकि विकास हुआ था कांग्रेस के समय में, और जो कांग्रेस के समय की जो घोषणाएं थी आज वो घोषणाएं भी मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं कर पाए, चाहे आपका यहाँ का भीमनी बांध मान लो, राजगढ़ रेवा परियोजनाएं मान लो, जिन गांवों में पानी मतलब कांग्रेस के शासन में चालू हो चुका था, 5 साल बीतने को आए आज तक उन गांवों में पानी नसीब नहीं हुआ, और वहाँ के लोग पानी से बहुत परेशान हैं। आज वसुंधरा जी झालावाड़ जिले के अंदर है पाटन में और झालावाड़ में, वहाँ के लोग पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, और वसुंधरा जी ने काली सिंह जो बांध बना हुआ है उसके सारे गेट खुलवा के पानी व्यर्थ बह रहा है, करोड़ों लीटर पानी उसका बह गया, और वहाँ के लोगों को पानी की चिंता उनको है नहीं, आने वाले समय में वहाँ की जनता जवाब देगी, और आने वाला समय कांग्रेस का है। पूर्व जिला अध्यक्ष साहब रह चुके हैं, आपके साथ में जो डोर काफी समय तक रही है और वर्तमान में कैलाश जी मीणा को डोर सौंपी गई है, आखिर मजबूत गठबंधन जो बनना चाहिए कांग्रेस का वो कैसे बनाएंगे आप लोग? वर्तमान में जो हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे जो आदरणीय कैलाश जी मीणा की नियुक्ति हुई है, और 8वें ब्लॉक अध्यक्षों पे जो नियुक्ति हुई है, हम इस अवसर पर हमारे कांग्रेस हाईकमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी गांधी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, हमारे संगठन के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के हम आभारी हैं, और निश्चित ही इस कांग्रेस संगठन को एक शानदार गति मिलेगी। झालावाड़ जिले में आने वाली जो 6 महीने की जो हमारी चुनौती है, हम सब मिलकर जो है इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित आपको किया गया है, और उसके बाद जो पूरा विधानसभा है डग विधानसभा, ये भागदौड़ जो है आपके हाथ में है, किस तरह से चुनाव को परिप्रेक्ष्य में लड़ेंगे आप? बिल्कुल, हमारे डग विधानसभा के 2 ब्लॉक हैं जी, और दोनों में इसमें फिर दोबारा मेरे को नियुक्ति मिली है, वहाँ पर हमारे साथी भगवान सिंह जी को नियुक्त किया है, और हम दोनों साथ मिलकर के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष जी साहब मिलकर पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे, और डग विधानसभा में आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी तो पूरी की पूरे देश में हम स्वराज वाला मामला कर देंगे, जैसे 21 से 22 राज्यों में उनकी अभी जो सरकार है वो बन रही है। नहीं, वो राजस्थान में चुनाव कैसे लड़ेंगे? नहीं, राजस्थान में लड़ सकते हैं, राजस्थान की स्थिति आप खुद ही जानते हो, यहाँ तो हालत उनकी खराब है, क्योंकि यहाँ उन्होंने विकास के नाम से जो हुआ है, आपने कहा था कि उन्होंने विकास किया, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं का जरूर विकास हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का विकास और कार्यकर्ताओं का विकास हुआ, जनता का कहीं विकास नहीं हुआ, जमीनी हकीकत में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए कहीं भी जीतेंगे हम 100% जीतेंगे।
और भारी बहुमत से जीता। जिस तरह से लगातार दो तीन साल काफी सुर्खियों में है कांग्रेस के साथ आप, और जो भागदौड़ देखी गई है अभी, जैसे परिवेश में परिवर्तन हुआ है, केला जी मैंने वो जिला अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है, तो क्या कांग्रेस पूरे जिले में मजबूत हुई है? राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व द्वारा ऐसा जिला अध्यक्ष चुना गया है जी, आज तक के इतिहास में, झालावाड़ के इतिहास में ऐसा जिला अध्यक्ष युवा नहीं देखा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनके नेतृत्व में जी ये पहला इतिहास बनेगा झालावाड़ के अंदर के चारों विधानसभा केला जी मीणा के नेतृत्व में विजय करेगी कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिरी सवाल है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर बीजेपी का जो झंडा है वो काफी लहरा रहा है, अभी कर्नाटक के अंदर भी बहुमत की सरकार बननी थी, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के आदेश अनुसार या ऐसा कुछ देखने को आ रहा है सरकार बनी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जिस तरह से ये बाहुबली स्टाइल में बात कर रहे हैं। मैं कर्नाटक की बात तो नहीं करता, आपसे राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक कांग्रेस की तरफ देख रहा है जी। जिस तरह से किसानों की हालत है, बड़ी बुरी दुर्दशा किसानों की, हर व्यक्ति के मुंह पे एक ही बात है कि इस बार कांग्रेस को विजय बनाना और कांग्रेस की सरकार बनानी है। चित्रा जी, जो लगातार 3 वर्ष कांग्रेस के साथ हैं, क्या माहौल लग रहा है जिले के अंदर कांग्रेस का? माहौल अच्छा है कांग्रेस का, हम सरकार बनाएंगे और राजस्थान की ये जो चारों सीटें हैं हम इन पे विजय पाएंगे, क्यों हमें ऊर्जावान जिला अध्यक्ष मिला है। अब जिस तरह से झालावाड़ जिले का जो एकदम माहौल चेंज हुआ है, भवानी मंडी में भी काफी हर्ष का उल्लास था और जगह जगह केला जी मीणा का स्वागत जोर शोर से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिले के अंदर कांग्रेस वापस फीडबैक कर रही है। निश्चित ही केला जी मीणा को जिलाध्यक्ष बना से झालावाड़ जिले के कार्यकर्ताओं में, झालावाड़ जिले की कांग्रेस में जाना ही है। इनके नेतृत्व में जो 6 महीने बाद चुनाव होने, चारों सीटें इनके नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। राजेश जी, करवाल साहब, पूरे देश के अंदर सब जगह हम वैसे घूमते हैं, पूरे देश के अंदर बीजेपी की भी लहर है और इस बीच राजस्थान में चुनाव, किस राजस्थान की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। राजस्थान में पूरा परिवर्तन है और झालावाड़ में उससे कई गुना ज़्यादा परिवर्तन है, और इस बार झालावाड़ की जनता ने तय कर लिया कि माँ बेटे की विदाई तय है, और जैसा हमारे साथियों ने कहा चारों सीटें कांग्रेस की आएगी और राजस्थान में जो लहर रहेगी उससे कई गुना ज़्यादा लहर झालावाड़ जिले में रहेगी, ये कुछ दिनों में आप देख लेना। अनिल जी वर्मा, मैं आपसे पूछता हूँ कि भवानी मंडी शहर में 5,000 की लीड बीजेपी ने ली थी अगले विधानसभा जी, और इस बार जो वापस चुनाव 2018 के अंदर, इस परिवर्तन में कितना घटकर और बढ़कर कांग्रेस वोट करेगी? निश्चित तौर पर अब नेतृत्व जिनके हाथ में, भाई केला जी मीणा के, इनके कुशल नेतृत्व में अब भवानी मंडी और जिले में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। बदलाव का समय है क्योंकि देश में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जी ने हिंदू और मुस्लिम को आमने सामने खड़ा किया, और अब नरेंद्र मोदी ने हिंदू हिंदू को आमने सामने खड़ा किया, सवर्णों को STSC के सामने खड़ा किया, और इस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई। अब युवा जितने शिक्षित लोग हैं, और बदलाव का समय है, निश्चित तौर पर सब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, राहुल जी की ओर देख रहे हैं, और अब निश्चित तौर पर भारत में, राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखा आपने, सभी ने अपनी अपनी बात बयां की है कि भाई कांग्रेस का परचम लहराएगा और राजस्थान में हम फुल बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे। हमने पूरे यहाँ के जितने भी हमारे जो नेता हैं उन लोगों से बात की। मैं खबर 24 आने के लिए इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ऐसे ही हम खबर 24 पर खास मुलाकात में आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाते रहेंगे। मैं लोकेश मकवाना, नमस्कार।